Hello everyone, assalamu alaikum. I'm Noor Ahmed. In this video I'm going to tell you about my working as a project member in our web project, which is blood bank donor management system. We have created it using like JavaScript and PHP. Our main languages are these, and we have used MySQL database, which is PHP MyAdmin. I'm just running it on localhost using XAMPP software. So my role was the front end development, which I have created multiple pages like this one. This home page, we have created some sort of section which is kind of static, but here are some donor lists which are coming from backend. Okay, if someone wants to like view our website and he wants a positive blood, he can request from here. So he have to just fill the form, and he will see his request from the backend. Okay, this is the home page, and this one is about page, and which we have created what was our motto to create this system. And we are the members who created the system. We have just created a searching system. Like if someone wants negative blood, I will just search about it. If you find some like donors, he can just contact the donor and like make a request to get the blood. My last part was this admin dashboard, which I have created using PHP and MySQL. So here we have a summarized way of like, we have listed total groups, which are showing the number 9. So I just like add dummy data for now, and we have just registered blood groups. Jo hamari site pe registered hue blood groups. Aur baki total number of requests hamare paas kitni generate hui hai, we can just see all kind of these request groups and data, everything from this backend. Let's find out if you want to see the full details, we can just manage our blood groups from here. Like we have this 9 blood group right now. इनकी जो है वो कब क्रिएट हुए थे, और यहाँ पे अगर एक्शन हमें यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. सिंपली ये रिमूव हो जाएगा साइट से. तो ये जो कोड है ये हमारे पास जो है हमारा मेन पेज का कोड, जो कि HTML और CSS PHP के थ्रू जो हमने लिखा है. बाकी सारी जो है मैंने एक्सप्लेन इसको कर दिया था, साइट किस तरह की जो है वो हमारे पास शो हो रही है. और इसके अलावा जो अबाउट इस पेज है, यहाँ पे भी जो है बूटस्ट्रैप HTML CSS के थ्रू जो है कॉन्टेंट जो है कोड लिखा गया है. सिंपल कोड है, सेक्शन बने हुए, और जो है टीम सेक्शन है हम टीम मेम्बर्स का, और सोशल लिंक्स है, और अबाउट इसमें इतना ही है. बाकी जो है मेरा पार्ट है वो डोनर लिस्ट का पार्ट है, जिसमें जो है मैंने जो कार्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब कि वो उस PHP के थ्रू जो बैकेंड से वो डेटा ले रहा है, और यहाँ पे जो है वो सिंपल जो है वो यहाँ पे शो करा रहा है उसका सारा डेटा, उसका ईमेल आईडी एक्सेट्रा, उसके सारी जो परसेंटेज है वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है. अबाउट अस में एक सिंपल जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म है, PHP के थ्रू जो सेशन चेक करते हुए पूरा जो सेशन के साथ वो चेकिंग करते हुए वो पूरी साइट को ले रहा है, चेक कर रहा है मीन्स. और बाकी जो हेडर जो है वो इस इंक्लूड फोल्डर में है. हेडर का ये पार्ट है. हेडर जो हमारे पास दो टॉप और सेकेंडरी हेडर्स है, जिसमें मेन नेम बार जो थी वो सेकेंडरी उसमें है कंपोनेंट के अंदर, नेव बार के अंदर. सेकंड जो है वो नेव बार, जो सारे जो है पेजेस लिस्टेड हैं. बाकी जो एडमिन का जो है यहाँ पर एक पार्ट है वो अलग से बनाया है, उसके सीएसएस भी अलग है, उसकी इमेजेस और उसके सब कुछ अलग है, सारा कोड भी उसका, हेडर भी अलग है, और सब कुछ सारी चीज़ उसकी अलग से बनाई गई है. उसमें जो है वो क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा था उसका, हमने सब मिलकर जो है वो कुछ कंपोनेंट मैंने काम किया, कुछ प्रसाद ने और कुछ पे ने काम किया है. सारे ये इंडेक्स पेज पे कोड है, और यहाँ से लॉग आउट फॉर पासवर्ड और इस पे जो है वर्तिक ने काम किया था. डोनर लिस्ट पे जो है वो साथ ने काम किया है, और एड डोनर पे जो है वो मैंने काम किया था, वहाँ रिक्वेस्ट करना और डोनर को ऐड करना. सो दैट्स इट फॉर माय साइड. थैंक यू. हेलो, दिस इज मोहम्मद साद, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट आई हैव डेवलप्ड इन दिस प्रोजेक्ट. बट बिफोर स्टार्ट लेट मी से लाइक आई हैवंट डेवलप्ड ओनली दैट स्पेसिफिक पार्ट, आई हैव वर्क्ड ऑन द अदर पार्ट एज वेल. Like there were some bugs that needs to be fixed, or there were some functionalities that needs to be added. So I would say it was core developed rather than we have developed our part individually. But yes, there are some parts that are specifically developed by individually. I would say that this donor list part, actually I have developed this part specifically individually. So yeah, you can see. So what happening here actually, blood donor list. All the donors who have registered. Or I would say like all the users who have registered on this website are being listed here. So these are all the donors. So अब हम थोड़ा कोड को देखते हैं, कोड में क्या हो रहा है. सो देर इज़ SQL query, as you know, we are using MySQL. So I am getting select static, so all data from the table donors. So अगर मैं table donor के पार्ट में जाके देखूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यूजर यहाँ पर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर आ रहा है, कि जो जो जिसने रजिस्टर किया यही सारे भी जो डोनर्स हैं ये वहाँ पे जाके फ्रंट एंड के ऊपर आपको शो वैलिड हो रहे हैं. अब जो अगर मैं थोड़ी डिज़ाइनिंग की बात करूँ,
डिज़ाइन कैसे हो रहा है। सो बेसिकली मैंने ग्रिड को यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन किया था। अब जो आपको फर्स्ट इमेज का पार्ट नज़र आ रहा है ये और ये दो दोनों, ठीक है, इमेज का पार्ट ये तो एक इमेज ही है, उसके साथ ये मैंने एक लेवल यूज़ किया था कि इसको पोजिशन रिलेटिव करके इसके ऊपर मैंने इसको यूज़ कर लिया था लेड इंडेक्स के थ्रू। और जो नीचे जेंडर मेल और ब्लड ग्रुप जो सारा डेटा शो हो रहा है ये बेसिकली मैंने एचटीएमएल का जो टेबल अवेलेबल होता है जेनेटिक टेबल उसी को यूज़ करते हुए मैंने इसको डेवलप किया था। अगर हम कोड को थोड़ा सा देखें तो आप देखेंगे पहले पहले सारे डेटा हमने टेबल डोनर से वो फेच हो रहा है हमारे डेटाबेस के ऊपर, उसके बाद ही देख सकते हैं हम टेबल जो बेसिकली टेबल ही उसको जाके वो सारा डेटा एको करके हम उसमें शो करवा रहे हैं, जैसे जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया या जो भी हो गया, और जो स्पेसिफिक नेम था वो हमने यहाँ ऊपर ही उसको शो करवा दिया। सो ये तो बात हो गई फ्रंट एंड की और बैक एंड इसका वर्क कैसे कर रहा है। अब जो कि मेन पार्ट था या मैं कहूँगा जो द वन वो है मोस्ट टेक्निकल पार्ट, वो था रिक्वेस्ट बटन का, कि जब मैं रिक्वेस्ट बटन क्लिक करता हूँ तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर ब्लड का, जब मैं फिल करता हूँ तो ये स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है और मैं जिस डोनर को भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे आके नूर अहमद को अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा ब्लड की तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इस फॉर्म के अंदर मैं अगर मैं अपना नाम लिख दूँ, ओके लेट से मैं एक डमी डेटा देता हूँ नरूतो का और उसका नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, नरूतो एट लीफ डॉट कॉम एंड ब्रदर प्लीज डोनेट, ओके ओके। सो अब ये जो पार्ट है बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, फॉर्म ओपन और सेंड हो गया। अब ये हो रहा है क्या यहाँ पे, अब जो रिक्वेस्ट बटन था ना उसके ऊपर जो टेक्निकलिटी का पार्ट था वो ये था कि मैंने रिक्वेस्ट बटन के साथ ही उसकी रिजल्ट जो आईडी है, रिजल्ट आईडी से मुराद क्या, मतलब जो भी जब यूज़र यहाँ पे आके जो रिजल्ट लिस्टेड हो रहा है जैसे ये साथ है आगे, तो इसकी इसके साथ इसकी एक आईडी है, तो ये आईडी ही उस रिक्वेस्ट बटन के साथ उसमें एडिट है कि जब हम रिक्वेस्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिकली उसके बाद सेंड होगा। अगर मैंने कहा यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की सक्सेसफुली सेंड होगी, अब अगर मैं उस नूर के अकाउंट को जाके चेक करूँगा तो ये वहाँ पे रिक्वेस्ट शो होगी। सो लेट मी एक्चुअली ओपन इट नूर 1 2 3 4 एंड इफ आई गो टू माई अकाउंट रिक्वेस्ट रिसीव यू कैन सी नरूटो, सो आई रिसीव दैट रिक्वेस्ट। सो दैट वाज द एक्चुअली मेन पार्ट आई डेवलप्ड, और ये रिक्वेस्ट रिसीव का पार्ट भी बहुत एक्चुअली ईजी था अगर मैं यहाँ पे आगे चेक करूँ आपको। सो अब रिक्वेस्ट रिसीव के जो मेन पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग द मेन पार्ट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरी लिटिल थिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट नीड्स टू बी एक्सप्लेन। सो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं जो एसक्यूएल की क्वेरी अगर हम उसको थोड़ा देखें तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ज्वाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए टेबल्स को ज्वाइन करवाया कि मैंने ब्लड डोनर ब्लड रिक्वायरमेंट जो भी जो किए ब्लड, अब जो ब्लड रिक्वायर का टेबल अवेलेबल होता है तो वहीं से मैं सारा डेटा सिक्योरी लेकर आ रहा हूँ क्यूरी के थ्रू, ये क्यूरी एक मेन है और वो मैं अगर डेटा अवेलेबल जितना भी है वो वहाँ पे आगे लिस्टेड हो जाता है अगर मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊँ जो ब्लड रिक्वायर की लिस्ट है। तो अभी जैसे कि सबसे एंड में मैंने नरूतो की कराई थी यार, तो अब ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मेरी आईडी के साथ ही आगे मुझे शो हो जाएगा वो जो आईडी है उसके साथ। अदर पार्ट दैट आई डेवलप्ड हियर वाज द एडमिन पैनल, सो ये पार्ट मैंने और नूर ने दोनों ने मिलकर डेवलप किया था एक्चुअली। सो जो मेन पार्ट था यहाँ पे जैसे ब्लड ग्रुप का वो नूर ने डिफाइन किया था, बाकी डैशबोर्ड और प्रोफाइल और अकाउंट चेंज वगैरह कुछ पासवर्ड चेंज वगैरह सब ये सब मैंने डेवलप किया था। सो जो मेरी डैशबोर्ड है उस पर मुझे क्या क्या आ रहा है कि मैं ब्लड पूरी ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि किस किस कौन कौन से मेरे पास ब्लड ग्रुप है। एक एल पॉजिटिव मैंने एग्जाम्पलेट किया था जो कि प्रोजेक्ट डेमो की वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, और जैसे कि रजिस्टर्ड ब्लड ग्रुप कितने मेरे पास टोटल 9 ब्लड ग्रुप रजिस्टर्ड हुए हैं। सो अगर हम यहाँ पे आगे देखेंगे तो हमारे पास जैसे ये सब जो भी डेटा हम लिस्ट होता है वही यहाँ पर शो रहे हैं, और मैं यहाँ से उनको हिडन और डिलीट भी कर सकता हूँ उन रिकॉर्ड्स को। अब डिलीट और हिडन से क्या होगा, इसके लिए जो उसका एसक्यूएल के अंदर जो मैंने उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे यहाँ से, जो कि मेरे अगर ब्लड डोनर्स के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। और सेकंड हिडन के तरीके होगा, ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए एसक्यूएल के अंदर था कि एसक्यूएल टेबल में अगर एक कॉलम लिखे अगर वो ऐड कर देंगे तो उससे वो हिडन हो जाएगा। सो और ये था मेरी इसकी मेन बात, जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई है बेसिकली वो यहाँ पे कुछ शो नहीं होंगे, जो रिक्वेस्ट है मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्च करके मैं शो कर सकता हूँ, इसकी एक फंक्शनलिटी है कि मैं जैसे ही नाम एंटर करूँगा डेटाबेस में जाकर चेक होगा कि जो जो उसमें इंटरनेट है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आके मैं नाम डालूंगा लेट से नूर का जो मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी, देख सकते हैं लेटेस्ट रिक्वेस्ट नरूतो की थी वो आप यहाँ पे शो हो रही है। सो ये पार्ट इसका एक्चुअली था जो मैंने यहाँ पे डेवलप किया था। और अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊँ तो ये रहा इसका कोड एक्चुअली डोना लिस्ट किया, दिस वाज एक्चुअली डोना लिस्ट पार्ट। सो इट वाज एक्चुअली वेरी सिंपल, अगर हम इसकी आके नीचे क्यूरीज में देखेंगे तो या तो ये चीज़ उसकी मेन थी, सेलेक्ट स्टेडिक फॉर्म डेटा वही सेम चीज़ है कि जो भी उसका डेटा था सब ला के हमें शो करवा दे और उसको टेबल की फॉर्म में टेबल के रूम में जो जो उनका डेटा सब एड हो जाएगा और मल्टीपल टेबल्स की रोज यहाँ पे एड हो जाएंगे। तो इसका एक मेन पार्ट हो गया कि इसके अंदर कैसे शो हो रहा था। और दूसरा जो यहाँ पे मेरे पास जो अदर पार्ट था कि जो रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है वो जो कि मतलब वो ये वाला पार्ट था कि रिक्वेस्ट रिसीव बाय डोनर। सो मैंने जितना भी कोड एक्सप्लेन किया उसमें मैंने आपको मेन आइटम्स बताए रादर देन डिफाइनिंग ये एचटीएमएल का इंडेक्स है या एचटीएमएल का रिव्यू है। सो मैं मेन पार्ट के ऊपर आता हूँ अभी, वो मैंने किसके थ्रू अचीव किया वो भी ये था कि इसको क्यूरीज के अंदर जो कि ऑपरेटर्स होते हैं उसके लाइक करके ऑपरेटर्स। सो ये डेटा जो नजर आ रहा है ये बेसिकली उसका नाम या जो भी कीवर्ड मैंने एंटर किया है उससे मैच करता है जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना वो आपको शो करवा देगा ये। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं कि यहाँ पे अगर मैं फोन नंबर भी उसका सर्च करता हूँ, जैसे अगर मैं 1 2 3 4 उसका नंबर सर्च करूँगा तो फिर भी मुझे ये रिकॉर्ड्स नजर आ रही, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर फोन ही 1 2 3 है, देखिए 1 2 3 4 ये नूर अहमद का मोबाइल नंबर 1 2 3 4 है, तो इसलिए मुझे 1 2 3 नजर आ जाएगा। मैं 1 2 3 लिखूंगा तो भी, क्योंकि अब जो जो अब देखिए सारे रिकॉर्ड्स में 1 2 3 8 था तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए।
सो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है इसका। तो यहाँ पे अगर इसके लिए यूज देखें तो यूज़ की मेन क्यूरी, जब भी जो भी डेटा मैच होगा ये वहाँ पे आपको इंडेक्स के अंदर आपको शो करवा देगा। ये भी बेसिकली उस तरीके से काम कर रहा है कि टेबल्स के थ्रू मैंने अचीव किया हुआ ये काम भी, तो ये वाला काम। सो ये था मेरा एक्चुअली पार्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नीरज गढ़वानी 19SW103। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में मैंने साइन इन और साइन अप पे काम किया है कि यूज़र कैसे साइन इन करेगा या कैसे साइन अप करेगा। तो ये साइन अप का कोड है, पहले हमने एक सेशन बनाया, सेशन स्टार्ट किया है, उसके बाद config.php की फाइल की सेटिंग्स इंपोर्ट की है, और उसके बाद एक सबमिट बटन के वहाँ पे हमने इफ एल्स का जो यूज़ करते हैं लूप्स का वो यूज़ किया है, और उसके बाद हमने कुछ फुल नेम और मोबाइल नंबर ईमेल इसके हमने वैलिड वेरिएबल्स बना के मतलब हमने यूज़र से लेने हैं और वो डेटाबेस में हमें स्टोर करवाने हैं। और पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे MD5 हैशिंग यूज़ की है, यहाँ पे क्लियरली शोन है। और उसके बाद एक डेटाबेस वगैरह बनाया है, उसमें क्यूरी वगैरह के बारे में बताया कि कौन सी क्यूरी हमें रन करनी है और कैसे, और वीडियो भी है, वीडियो फैच करवाने के लिए हमने यूज़ किया है कि कैसे मतलब हम वहाँ से रिजल्ट्स को फैच कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास इफ स्टेटमेंट है उसमें हमने डेटाबेस में स्टोर करवानी है चीज़ें बेसिकली टेबल बना के, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे अलग अलग क्यूरीज रन की है, फुल नेम के लिए अलग की है, मोबाइल के लिए अलग, और ऐसे ही ये सारी क्यूरीज एक साथ है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आईडी के बारे में बताया और एग्जीक्यूट वगैरह होगा, जब आईडी मतलब वेरीफाइड हो जाएगी चेक हो जाएगा कि मतलब इसने सारी डिटेल्स फिल वगैरह कर ली है, तो हमारे पास मैसेज वगैरह प्रिंट होगा, या अगर कोई चीज़ रह जाती है एक आईडी जनरेट नहीं होती बेसिकली, तो ये बताएगा कि ये मतलब आपके साइन अप में कोई इश्यूज़ है या आपने कोई डिटेल्स मिस आउट कर दी है। और फॉर सपोज अगर कोई ईमेल पहले से ही रजिस्टर्ड है वो डेटाबेस से चेक करके बताएगा कि ये डेटाबेस में आया पहले है या नहीं है, तो ये यहाँ से भी चेक हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास ये HTML का कोड है जो कि फ्रंट एंड के लिए है, मतलब कि फ्रंट एंड इसका डिज़ाइन किया था कि किस तरह इसका फ्रंट एंड होगा, तो ये कुछ इसका टाइटल वगैरह बताया है, और इसमें JS का फंक्शन भी यूज़ किया है URL वगैरह को हाइड करने के लिए और टाइम आउट वगैरह के लिए लोड करवाने के लिए, और बेसिकली इसमें कुछ फॉन्ट्स वगैरह भी इंपोर्ट करवाएं क्योंकि जो फॉन्ट्स हमें यूज़ करने थे वो बेसिकली अवेलेबल नहीं थे, तो इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं कुछ फॉन्ट्स इसमें। और इसमें कुछ बॉडी में हेडर्स वगैरह, हेडर को भी डिफाइन किया गया है कि हेडर में क्या है, कंटेनर क्लास क्या है, और इसका PHP का कोड एज इन यही है कि फुल नेम में कि आईडी क्या है, उसकी प्लेस होल्डर क्या होगा, मतलब जो फील्ड्स हैं जो बॉक्सेस होंगे उनके साइज़ वगैरह और उनकी फर्दर डिटेल्स उस हिसाब से इसको वैलिड किया गया है। और ये क्यूरी वगैरह के बारे में है और फॉर ईच लूप वगैरह, और उसके बाद इसमें PHP का पहले हमने हेडर के बारे में बात की, अब फुटर के बारे में बात करेंगे। फुटर में भी यही है कि इवेंट्स वगैरह कैसे अपेंड हो रहे हैं, क्या JS की फंक्शनलिटीज यूज़ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर कोड कोई रीड करेगा तो ईजी है क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स भी इंक्लूडेड है। अब फॉर सपोज यूज़र लॉगिन करता है तो उसके लिए भी कुछ एक पीछे वैलिड पैरामीटर होगा कि मतलब वो डेटाबेस में जाकर चेक करें कि आया यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए भी पहले हमने config.php की फाइल इंपोर्ट कराई है और फिर ईमेल वगैरह लेके हमने चेक किया है, और MD5 हैशिंग यहाँ पे भी जो वहाँ पे यूज़ हुई है वही यहाँ पे होगी, और फिर एक सेशन वगैरह बना के हमने चेक किया है कि भाई कि डिटेल्स वैलिड हैं या नहीं, और नहीं होंगी तो वो हमें एक मैसेज वगैरह जनरेट करेगा। और इसके लिए भी हमने कुछ HTML का कोड वगैरह फ्रंट एंड के लिए लिखा है, और इवेंट लिसनर भी बनाया है कि इवेंट वगैरह कैसे लिसन करें, या कोई एक टाइम आउट सेट किया हुआ है यहाँ पे कि वो फॉल्स हो जाए तो मतलब बता दें कि भाई नहीं हो सकता लॉगिन। और स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ हुआ, स्टाइलिंग भी हमने की है CSS के थ्रू, इसमें भी फॉन्ट्स वगैरह कुछ इंपोर्ट किए हैं, और इसमें हमने PHP में हमने क्लासेस वगैरह बताई हैं, ब्रेडक्रम्ब की क्लासेस है और कंटेनर वगैरह, और जो बॉक्सेस और लेबल्स बने हुए हैं लॉगिन फॉर्म के वो इसमें डिफाइन है, और फुटर है सेम एज इट इज़ जो हमने वहाँ पे किया था वही यहाँ पे फुटर है, हेडर और फुटर दोनों में सेम ही है। और लॉगआउट के लिए हमने फिर यूज़ किया है कि भाई कुकीज़ से वो क्लियर हो जाए या नहीं हो, तो ये सारा हमने भी इसमें किया है कि मतलब सेशन को वो ख़त्म कर दे या सेशन को स्टोर करना है या क्या, सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने -destroy का फंक्शन यूज़ किया है, और इससे क्या होगा कि जो सेशन होगा वो एक्सपायर हो जाएगा और लॉगआउट हो जाएगा यूज़र। और अगर फॉर सपोज कोई यूज़र पासवर्ड भूल जाता है तो उसके लिए भी हमने कुछ फंक्शनलिटीज़ की हैं कि मतलब उसकी पहले वो लेंथ वगैरह चेक करेगा और वो डेटाबेस में चेक करेगा जाके कि ईमेल वगैरह मौजूद है या नहीं है, और फिर अगर ईमेल मौजूद होगी तो उस हिसाब से फिर वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, फिर ईमेल वगैरह से एक OTP जनरेट होकर आएगी कि आपकी मतलब OTP वो वहाँ पे लॉगिन फॉर्म एंटर करेंगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। और उसके बाद हमने JavaScript के कुछ फंक्शंस यूज़ किए हैं चेंज पासवर्ड वगैरह करने के लिए और न्यू पासवर्ड वगैरह के लिए और मैसेज वगैरह जनरेट करवाने के लिए कि कोई क्यूरी वगैरह हो तो रन करवाने के लिए, और इसमें भी फॉन्ट्स वगैरह इंपोर्ट किए हैं, और बॉडी में यही CSS की स्टाइलिंग वगैरह, और कुछ बटन्स के लिए हमने यहाँ पे अलग फंक्शन यूज़ किए हैं, चेक पास का किया है और चेक वगैरह करने के लिए कि पासवर्ड भाई मैच हो रहा है या नहीं, और डेट वगैरह पिक करे या स्क्रिप्ट वगैरह, तो ये सारा इस कोड में है, और बाकी दूसरे मॉड्यूल्स मेरे अदर ग्रुप मेंबर्स एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।